हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक। इस वीडियो में देखेंगे सर्दियों में मेकअप कैसे करें। इजी स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स मैं शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में कोई शादी फंक्शन अगर आपको अटेंड करना है तो सिंपल तरीके से वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक ट्यूटोरियल मैं शेयर करने वाली हूँ। स्किन प्रेप कैसे करें, क्योंकि सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है जिससे फाउंडेशन जो है वो केकी दिखने लगता है। तो स्किन प्रेप और मेकअप के सारे स्टेप समझने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्किन प्रेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाइलुरोनिक एसिड सीरम अप्लाई किया एंड देन मैं नायका स्किन आर एक्स डीप 2% सिरामाइड सिरम जो है ये अप्लाई कर रही हूँ। ना ये सिरम भी स्किन को रिपेयर और मॉइस्चराइज करता है, हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। और ये वाला जो सिरम है ये नायका ने मुझे ऐसे पीआर पैकेट सेंड करा था, तो मैं इसको आजकल ट्राई कर रही हूँ। एंड ये सिरम जो सिरामाइड सिरम होते हैं मैच्योर स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, स्किन को हेल्दी रखते हैं। और यहाँ पे मैंने दो मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग सिरम जो है वो अप्लाई करके लेयर करे हैं और उसके ऊपर मैं मिनिमलिस्ट की मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं बट अप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्राइमर के लिए भी मैं हाइड्रेटिंग प्राइमर ले रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मेकअप है तो आपको स्किन प्रेप ऐसा करना है कि आपकी स्किन जो अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट रहे, स्किन प्रोडक्ट्स को लेयर करते हुए अप्लाई करना है। और जो मैंने प्राइमर अप्लाई किया, आपने नोटिस किया होगा मैंने नोज़ के पास अच्छे से अप्लाई करा है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, फाउंडेशन जाके जमने लगता है, अजीब सा वाइट वाइट सा हो जाता है। एंड इसके बाद प्राइमर अप्लाई करने के बाद देन मैं ले रही हूँ यहाँ पर रिने का फेशियल ऑयल। ये स्किन ग्लो ऑयल है, सिर्फ 2 ड्रॉप ही लिए हैं। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप बादाम का जो विटामिन ई ऑयल आता है, बादाम रोगन आता है, उसके भी 1-2 बूंदे ना इस तरह से स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना नोज़ के पास जो फाउंडेशन अजीब सा केकी होने लगता है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अच्छे से मसाज कर लेना है इसको स्किन के ऊपर। एंड देन उसके बाद इसको थोड़ी देर अपने आप सेटल होने देना है। एकदम से फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो स्किप हो सकता है, मतलब टिकेगा नहीं फाउंडेशन एकदम आप ऑयल अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर फाउंडेशन अगर लगाओगे तो। उसके लिए यहाँ पे पहले मैंने तब तक आईब्रो फिल कर लिए हैं स्विस ब्यूटी ब्राउ पेंसिल के साथ एंड देन फाउंडेशन के लिए मैं लैक्मे का एब्सोल्यूट 3D कवर फाउंडेशन ले रही हूँ। इसको डॉट करते हुए फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। नाउ ये साटन फिनिश फाउंडेशन है, ग्लो देता है स्किन के ऊपर एंड इसको डॉट करते अप्लाई करने के बाद देन मैंने फ्लैट कबूकी ब्रश के साथ ब्लेंड कर लिया है। तो सर्दियों में मेकअप करते समय आपका स्किन प्रेप जो है वो सही तरीके से किया होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप टिका रहे प्लस वो केकी ना हो और नेचुरली ग्लोई और हेल्दी दिखे आपकी स्किन। So, यहाँ पे फाउंडेशन भी सही आपको यूज करना है। हो सके तो सर्दियों में आप मैट फिनिश वाले फाउंडेशन तो अवॉइड ही करें अगर आप चाहते हो कि स्किन आपकी ग्लोइंग दिखाई दे। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे पैक कॉस्मेटिक का टेक द कवर कंसीलर ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैंने आईलिड के ऊपर डॉट करते हुए अप्लाई किया। एंड अगर आपको आईलिड के ऊपर अच्छी बढ़िया इवन कवरेज चाहिए तो आप कंसीलर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जो है वो पतला थिन होता है तो इतनी बढ़िया कवरेज नहीं दे पाता है। सो नेक्स्ट स्टेप में इजी सा आई मेकअप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो लिया है, ब्रश को हल्का सा क्लीन करते हुए ब्रश की मदद से ही जो ग्लिटर आई शेडो है उसको मैंने अपने लिड स्पेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। तो अगर आपको बिल्कुल भी आई शेडो लगाना नहीं आता, आप इस तरीके से सिंपल आई लुक बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे ये जो मैंने क्रिएट करा ग्लिटर आई शेडो लगाया, क्योंकि नीचे कोई बेस नहीं लगाया था तो हल्का सा बस शिमरी इफेक्ट देता है, बहुत ही नेचुरल दिखता है। तो सर्दियों में दिन के वेडिंग फंक्शन में आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड देन मैं शुगर कॉस्मेटिक का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ फेस को पहले कॉन्टोर करने के लिए एंड देन इसी पैलेट में से मैंने ब्लश शेड लिया है और उसको मैं अपर पार्ट ऑफ द फेस के ऊपर कॉन्टोर के साथ ही ब्लेंड करते हुए अपवर डायरेक्शन में मैंने ब्लश को अप्लाई कर लिया है। देन मैं स्मॉल आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, उसमें मैंने ब्लश शेड को पिक करा और जो मैंने आईलिड के ऊपर शिमरी शेड अप्लाई किया था जस्ट अपने क्रीज एरिया को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, वहाँ पे भी मैंने वो सेम शेड जो है वो ब्लेंड कर लिया है एज अ ट्रांजिशन शेड, ताकि आई मेकअप थोड़ा सा और नीट और बढ़िया दिखाई दे। फुल फेस मेकअप को कंप्लीट करने के लिए एक फैन ब्रश के ऊपर मैंने हाइलाइटिंग शेड पिक किया। अगेन ये शुगर का सटल समट पैलेट है 01 और इसको मैंने हायर पार्ट्स ऑफ द चीक पे अप्लाई किया, ब्रिज ऑफ द नोज और ब्राउ बोन पे भी मैं इसी शेड को अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप सेम हाइलाइटिंग शेड अपने लिड पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ईजी अप्लाई हो जाता है हाईलाइटर शेड और बहुत ज़्यादा इसको आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं लगती। एंड देन काजल के लिए मैं मास्क कॉस्मेटिका मिसमराइज आइज काजल पेंसिल ले रही हूँ, इसको लोअर अपर वाटर लाइन पर टाइट लाइन कर अप्लाई किया एंड ब्लू हेवन के स्केच आईलाइनर के साथ मैंने एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट करा है। नाउ इससे विंग बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसका पिगमेंट उतना ज्यादा इंटेंस डार्क नहीं है। तो अगर आप चाहो तो मेबेलिन का जेल आईलाइनर भी यूज कर सकते हो इंटेंस डार्क काजल वाले लुक के लिए। मेकअप के नेक्स्ट स्टेप में अंडर एरिया को ब्राइटन करने के लिए मैं शुगर कॉस्मेटिक का मैजिक वॉन्ट कंसीलर ले रही हूँ और आप देख रहे हो मैंने कितना थोड़ा सा क्वांटिटी ही अप्लाई किया है, बिकॉज मुझे हल्का सा ही कवरेज चाहिए ताकि जो हल्की फुल्की डार्कनेस है वो इवन हो जाए और अंडर आइज जो है वो ब्राइटन हो जाए। एंड उसको मैं फिंगर टिप के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। तो जो भी आपके मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट अगर आप कंसीलर भी यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि कम क्वांटिटी में यूज़ करें, उसको अच्छे से ब्लेंड करें ताकि वो केकी ना दिखे। एंड देन बस लैशेज को कर्ल करने के बाद मैं कलर बाग के डुओ मस्कारा के साथ जो वॉल्यूमिनाइजिंग साइड है उसको यूज़ करते हुए लैशेज के ऊपर एक एक कोट अप्लाई कर रही हूँ ऊपर एंड
लोअर लैश के ऊपर। एंड लिपस्टिक के लिए मैं शुगर एक्स वंडर वुमन कलेक्शन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये है 08 शेड पैराडाइज। और मेकअप के लास्ट स्टेप में फुल फेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ये चेहरे के ऊपर ग्लो मेंटेन रखने में मदद करता है। और यह मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक। सर्दियों के लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करें, इजी सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए आज मैंने शेयर करा, जो आप विंटर्स की किसी भी वेडिंग फंक्शन में एज अ वेडिंग गेस्ट ये लुक क्रिएट कर सकते हो। इजी है, सिंपल है, क्विक है, जल्दी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर पाओगे। सो आज का मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और विंटर्स के मेकअप ट्यूटोरियल के लिए स्किन प्रेप सही तरीके से जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।